हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो मैं सो के उठ चुका हूँ। फिलहाल नहाया तो नहीं हूँ क्योंकि मुंबई में भी अब थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हो गई है। दिन की नहीं है, यहाँ पे सुबह और शाम ठंड रहती है, फिर भी मैं शाम को पंखा चला के सोता ही हूँ। तो अभी मैं उठ गया हूँ और अपना ब्रश वगैरह कर लिया, नाश्ता बना लिया। तो आज मैंने ओट्स बनाए क्योंकि केले लाना भूल गया था मैं, तो शेक बना नहीं पाया। तो ये देखो, ये ओट्स और ये टेस्ट के लिए ओरियो बिस्कुट, ये देखो MS धोनी। धोनी एक और 7 नंबर फेवरेट उनका। और एक ये चोका, ऐड करने वाले कितने अच्छे अच्छे ऐड करते हैं ना बिस्कुट की कंपनी में। दिमाग कंपनी में दिमाग तो है, ऐड के लिए सही उन्होंने बना रखा अपना धोनी ये सब। खैर ये खाते हैं, फिर देखते हैं आज का दिन कैसे जाने वाला है। सो भाई, हम केले लेना भूल गए थे तो हमने केले ले लिए। तो अभी जाएंगे हम जिम के अंदर, बिल्कुल जिम के सामने ही है दुकान, तो अब चलते हैं जिम के अंदर फिर वर्कआउट करते हैं। तो भाई मैंने अपना शेकर पूरा तैयार कर लिया है, अपनी कॉस्ट्यूम भी रेडी है जिम वाली। तो अब चलते हैं सेट लगाने, मिक्स करना अच्छे से। सो गाइस, मैं अभी जिम से आ चुका हूँ। आज मैं जल्दी इसलिए चला गया था ताकि शाम को फ्री हो जाऊँ और कहीं घूमने जा सकूँ, क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है ना लाइफ में। इसलिए अभी मैं आ चुका हूँ और अभी खाना बनाऊँगा, देखता हूँ क्या बनाऊँगा। वही है अपना दाल और राइस, वही बनाता हूँ। उससे पहले मैं अपने ओट्स बचा के गया था क्योंकि मेरे से वो पूरे मैं नहीं खा पाया था, तभी मैं वो खाऊंगा। अभी गिरते गिरते बच गया, ये देखो। एक घंटे में खराब तो नहीं होंगे? नहीं, खराब खराब नहीं हुआ, सही है सही है। तो फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 3, और मैं 3 बजे अभी यही कर रहा हूँ। तो देखते शाम को कहीं निकलेंगे बाहर घूमने, क्योंकि यार पता है पूरी इंडिया में ठंड है लेकिन मुंबई में नहीं है। मुंबई में गर्मी है, देखो मैं पंखा चला रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अभी भी गर्मी है। दिन में तो मतलब बाहर जाओगे तो आपके पसीने आने ही आने, तो हम लोग इसलिए शाम को जाते हैं। तो अभी शाम को जाऊंगा मैं, तो चलते हैं कहीं घूमने, दिखाता हूँ मैं आपको जैसा भी रहेगा। सो दोस्तों, मेरे को खाना बनाना था, यही खाना था, लेकिन मैं सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो सो गया था। यार आँख ही लग गई मेरी, अभी उठा जाके मैं अभी क्या नाम है 5 बजे करीब। तो अभी भाई भूख बहुत जोर से लग रही है, बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ बाहर जाऊँ और वहीं से खा के आता हूँ, और तब तक के लिए मेरा हेडफोन भी चार्ज हो ही गया होगा ये वाला, पर इसके बिना बाहर ना वॉइस ढंग से आती नहीं है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है चार्ज करना। तो इसको लगा लिया, अब कनेक्ट करके देखता हूँ। बोलो चालू। हो गया, तो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या खाते हैं, कुछ ढंग का मिलेगा तो। तो भाई आ गया यहाँ पे दही कचौड़ी खाने। दही कचौड़ी खाने आ चुका हूँ, शक्कर वाला इधर तू क्या कर रहा है? मैं पीछे से दिखाता हूँ। दोनों एक दही कचौड़ी। हाँ भाई, दही कचौड़ी आ गया। इसमें क्या डाला है? कचौड़ी, सेब और हरी चटनी। तो पहले मैं
टेस्ट करके देखते हैं। अच्छी है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से गागी खाते हैं, फिर मिलते हैं घंटे थोड़ी गागे आ गया हूँ। सब सोच रहा हूँ थोड़ा बीच पे जाके घूम लो, एंजॉय करूँ, ताकि देखो जाम बहुत लग गया है। देख रहो वन साइड हो तो अब ये ट्रक आ रहे हैं, फंसे भाई फंसे, यहाँ पे पूरा जाम। भैया 20 की दे देना। ये बनती किस चीज़ से है? ये दूध से। तो ये मलाई है। ये भैया हमारे, ये किलो कैसे पड़ जाती है? 200 रुपए किलो, तो 200 रुपए किलो पड़ती है। भाई ये है मलाई दूध की बनी हुई, आगे देखते कैसी है। अच्छी है, मीठी है बहुत, जैसे होती है ना नॉर्मल मलाई, मतलब मीठी है, अलग ही टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। ये 20 रुपए की जितनी थी, 200 रुपए किलो है तो सही है अपना, 200 रुपए किलो सही है यार, जिस हिसाब से मेहनत करते बनाते हैं। तो अभी खाते फिर करेंगे सुबह के अंदर, थोड़ी देर बाद देखते रहते भी करते हैं, पर मैं खा लेता हूँ। टाइम आ गया, मैं वर्षोवा पे, फोटो देखो कितनी अच्छी आ रही है, सन कितना प्यारा लग रहा है, पानी बहुत आगे तक है ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे जाके। फुटबॉल खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। मेरे पीछे पूरा बीच, मतलब एक सुकून मिलता है शाम को यहाँ पे आने तक, कि आराम से देख सको नज़ारा। तो मैं जैसा भी आओ पूरा दिखाता हूँ। ये बोट्स खड़ी है ना, कितनी प्यारी लगती हैं, लेकिन रात में पानी ना इससे भी उधर चला जाता है, इससे भी उधर बोट दिखती ही नहीं है। बाकी यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, फुटबॉल चल रहा है इनका। मैं तो ये सोचता कई बार खेलते खेलते मान लो इधर मारा और ज़्यादा तेज़ी से आया तो क्या हाल होगा। देखा बोट, सन कितना प्यारा लग रहा है, पानी बहुत आगे तक है, दिखा रहा हूँ पानी कितना आगे तक आया हुआ है। पहले इधर है ना, उधर से जाने को बनता था, अब जाने को ही नहीं मिलेगा। ये देखो पूरी साइड साइड पानी पानी है, यहाँ पे टूरिस्ट भी हैं दिखाने के लिए। ये देख रहे हो, मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने जूते पहन रखे हैं, जूता पहन के ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। देख रहे हो पूरे में ही पानी, पानी का लेवल भाई बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है पानी का लेवल, देख रहे हो। ये थोड़ी ऊंचे वाली जगह पे हूँ मैं, तो इतना नहीं आ रहा, बाकी बहुत ऊपर है, लेवल आगे आ गया है पानी का, देख रहे हो। उन्हें देखो मच्छी पकड़ रहे हैं, वो बच्चे मच्छी पकड़ के लेके जा रहे हैं, देख रहे हो, मतलब इतने में भी मच्छी आ जा रही हैं। देख रहा हूँ ये पानी आ पाएगा फिर वापसी गिरेगा, एक नई वो लेने की कोशिश करता हूँ मैं। अब पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, कुछ नए तरीके से लेने की कोशिश कर रहा था, वो तो वीडियो देखने में पता चलेगा कि किस तरीके से आया, किस तरीके से नहीं आया, तो
बीच का गैप होता ना, मैं उसमें लेने की सोच रहा था। ये तो बीच का गैप आएगा ना, ये देखो ये बीच का गैप बन रहा है ना, इसमें लेने की सोच रहा था मैं। फोन गंदा हो गया मेरा लेते लेते। अरे वो क्या है देखो, सोना मिला, सोना सोना दिखाता हूँ। छोटा सा शिवलिंग, शिवलिंग मिला, शिवलिंग मुझे लगा सोना मिला, लेकिन ये भी सोने से कम थोड़ी ना है जगन्नाथ की। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसा, सही है, इसको वापसी प्रवाह कर दिया जाए। ओम नमः शिवाय भी लिखा है इसमें। बाकी सूरज ढल चुका है, यहाँ फुटबॉल चल रही है, तो इसको वापसी विसर्जन कर देना चाहिए। तो लेट्स ट्राई, इसको मैं सोच रहा हूँ विसर्जन ना करूँ। अपने वापसी पास में रख दूँ, क्या पता कि मेरे को ये मेरी नज़र में आए। अभी भोलेनाथ का शिवलिंग है तो मैं इसको अभी डिसाइड कर लिया मैंने, वैसे अपने रूम में ले जाऊँगा और अपने रूम पे ही रखूँगा, और जितना भी बन पड़ेगा उस हिसाब से अपनी पूजा कर लूँगा, मतलब जैसे भी होगी अपनी अपनी मान्यता उस हिसाब से। तो मैं इसको घर लेके जाऊँगा। तो मुझे सोना मिला ऐसा लगा, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर है, मतलब डायमंड का, मतलब उससे भी ज़्यादा ऊपर, जिसकी कोई मतलब कोई कुछ वैल्यू नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा अनमोल चीज़ है भगवान का शिवलिंग। तो मैं इसको अपने साथ ही रखूँगा, तभी हम लोग चलते हैं आगे, उधर उधर चलते हैं, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा, पानी है तो हम चल रहे हैं, घूम के जाएंगे। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो बंदे ने नेट लगाया वहाँ से मच्छी पकड़ रहे, डॉट 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 दिख रहा है इसी से ही मछली। जरा और पास से देखा जाए, देख रहा हूँ, अभी देखते हैं वो कि निकालता है, कितनी निकलती है मच्छी। उसको और आगे लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं मच्छी निकालता आएगा कि नहीं। यहीं बैठता हूँ मैं, पहले देखता हूँ मैं कहाँ तक जाता है। मछली बंदा बहुत गहरा गया, अपने को तो जगह मिल गई है बैठने की अच्छी वाली, तो ऐसे ना गिर जाए भाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिरेगा ना तो मिलेगा भी नहीं। देख रहे कैसे खाई है दोनों तरफ से, पानी का लेवल बहुत है भाई, क्योंकि हम उस समय उधर थे ना, तो उधर पत्थर सब रहते थे तो डूबते नहीं थे, लेकिन उसके कमर तक पानी है, मतलब है पानी। तो बाकी यहाँ से पूरे ऊपर सुबह का नज़ारा, यहाँ पे पूरे कपल्स बैठे हैं अपना, ऐसे यार शाम का आओ थोड़ा एंजॉय करो, और इधर पूरा टाइम घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं होता। मैं शाम को आ जाता हूँ अपना घूमने के लिए, यहीं पे थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, ब्लूटूथ है, गाने वगैरह सुनूंगा, एंजॉय करूंगा, फिर आगे थोड़ा और आगे जाऊंगा, वहाँ पे जैसा भी होगा उस साइड जाऊंगा एंड में। तो मैं अभी ये देख रहा हूँ ये मच्छी निकालेगा ना, तो आपको दिखाता हूँ किस साइड अभी निकाले ना निकाले। उसको क्या उसने नेट को पूरा ऐसे फैला दिया है, बाकी अभी इसको तो मैं अपने साथ ही रखूँगा भाई। वैसे भी हमारे रूम में ना कोई मंदिर नहीं था, मंदिर मूर्ति ऐसे कुछ थी नहीं, मैंने सोचा चलो यही ले चलता हूँ, क्या पता ये मेरे लिए आया हो, क्योंकि उधर इतने सारे लोग थे किसी की नज़र नहीं पड़ी, मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा पहले यार सोने की कोई चीज़ है, लेकिन ये था कुछ बढ़िया। तो जय बोले बाबा जी, शायद मैं दिखा पाऊँ कि नहीं दिखा पाऊँ, जूम करता हूँ। गाली उड़ती हुई है समुद्र के ऊपर उड़ रही है वे पतंगे की, क्या है, चली गई अंदर, चली गई ऊपर से आई थी, मैं तो ये समझ रहा हूँ छोटी कहाँ से थी ये जो आई। बाकी यहाँ से दूर तक देख रहा हूँ कुछ नहीं दिख रहा, वो देखो बोट जा रही है, बोट जा रही है, वीडियो में लग रहा होगा कि नहीं चल रही है, जूम कर दूँ तब आपको पता चलेगा। देखो वो झंडा दिख रहा है, ये देखो, अरे उसके आगे एक और बोट है, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया ये वाली, ये बहुत ज़्यादा जूम है। अभी देखो आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कितना वो लगेगा, ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी है वैसे। बंदा वापस आ गया अपने कपड़े वपड़े पहन रहे मछली लेके,
बाकी यार यहाँ का नज़ारा देखो, दूर दूर तो कैसा लगता है, पता नहीं क्या है आगे, ज़मीन ज़मीन होगी कि नहीं होगी। इस साइड तो नहीं होगा क्योंकि इस साइड तो शायद इतना कुछ नहीं है। जो इस साइड जाओगे ना तिरछे में तो यूरोप यूरोपियन कंट्री आ जाएंगी। यूरोपियन मतलब बहुत ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, पहले पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान, इस टाइप के आएंगे। वहाँ से जाओगे तो ज़्यादातर प्लेन में जाते हैं ना, तो ऐसे उड़ के जाते हैं, ऐसे जाते हैं उस साइड। और दूर तो कैसा लगता है, पानी 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 पानी, मतलब एक देख के ना एक वैसा लगता है कि यार क्या चीज़ बनाई है कुदरत ने। इसमें पता मुझे क्या अच्छी लगती है, जैसे ये पानी आता ना आगे और ये प्लेन कर देता है मिट्टी को, ये बहुत अच्छा लगता है। आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बंदे बताओ कहाँ कैसे रहा वो बंदा, उसका हाथ देखो, उसको ठंड लग रही है भाई, पानी के अंदर गया था ना, ठंड लग गई उसको। इधर फोटो सेशन भी चल रहा है, कर क्या रहा है ये देख रहे हैं इनकी मटर कसती भाई, मैं तो उसी को देख रहा हूँ, उसको ठंड लगी पड़ी है, पूरा कांप रहा है, हाथ देखो उसके कैसे कांप रहा है, फोन में इतना नहीं पता चल रहा होगा, बाकी पूरा कांप रहा है, वो देख रहा हूँ। देखो भाई ठंडे से कांप रहा था फिर भी गया अंदर मच्छी पकड़ने, इस बार शायद मिल गई, ठंड लग रही थी फिर भी कांपता कांपता अंदर गया। सो स्ट्रगलिंग लाइफ। तो अभी शाम हो चुकी है, ये शाम का नज़ारा है, जो पे भी लाइट चल गई है और शाम हो गई है, अंधेरा है और ऊपर से अब मच्छर काटने लगे हैं, तो मैं तो भाई यहाँ से उठ रहा हूँ क्योंकि मच्छर अब बहुत ज़्यादा काटने लगे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी गंदगी भी है, गंदगी इन द सेंस क्या हो जाए, शाम को मच्छर काटते ही काटते हैं, सच्ची में मच्छर काट रहे भाई, मैं तो चल रहा हूँ यहाँ से। सो दोस्तों मेरे सामने भाई बहुत बड़ा सीन हो गया, मैं था अंडे की भुर्जी बना रहा था और राइस और गैस ही खत्म हो गई, ये देखो गैस ही खत्म हो गई, मतलब गैस बंद हो गई है। तो अभी शिवा में मेरा दोस्त वो नीचे लेके गया है, नीचे हमारी जो लैंडलॉर्ड है उनके पास, कि अंडी आधा खाना बन गया आधा बनवा दो अंडे में भाई भुर्जी, अंडा डालना बाकी था, बाकी हमने सब डाल दिया था, जैसे प्याज वगैरह सब हो गया था, सब खाली अंडा डालना बाकी था और चावल में लास्ट सीटी लगनी बाकी थी, तभी इसलिए कुकर खोला नहीं है, वैसे का वैसा ही है। दिखाता हूँ, देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको सू सू की, ये देखो ताकि स्टीम से पक जाए। और इस समय भाई रात के 11:30 से ऊपर हो रहा है, तो बाहर खुला होगा लेकिन देखते हैं, बाकी अभी आंटी ने कहाँ गया तो वहीं से बनाएंगे और खा लेंगे, तो भाई देखते हैं कैसे आता है बन के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हमारी भुर्जी और राइस गिरना जाए आ चुके हैं, भुर्जी और राइस आ चुके हैं हमारे, तो खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। खाना तो अच्छा बना, टेस्टी बनाने वाला तो नहीं बता, बनाने वाला हमारा भाई शिवम ये है, इसने बनाया बहुत अच्छा बनाया, टेस्टी बनाया सही। हमारा गैस ख़त्म हो गई और मेरे को पता है अभी हंसी ने ये बात सोच कर आ रही है कि दीपक भाई हमारे आराम से सोए पड़े हैं, मतलब आजकल जल्दी आ जाए, सुबह जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं ना तो जल्दी सो जाते हैं, कि कल सुबह उठेंगे और जब खाना बनाने जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि गैस तो ख़त्म है, तो देखते हैं क्या होता है कल। मैंने अपना डिनर कर लिया है लेकिन मैंने पूरा नहीं किया, थोड़ा सा बचा दिया क्योंकि सुबह नाश्ता दूध उबाल नहीं पाओगे क्योंकि गैस है नहीं, तो मैंने अपना वो बचा लिया सेफ्टी के लिए मॉर्निंग में। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बेशक अभी 12:30 हो रहे हैं, फिर भी मैं गुड नाइट बोल देता हूँ, आप लोग तो सोए होंगे, बाय, गुड नाइट।